हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेटिंग पैशन। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये वाला पैटर्न। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, तो आज हम इसको बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो डिज़ाइन है, देखिए ये इतना पोर्शन है ना, इस तरह से जो ये वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला, इसके लिए हमें चाहिए फंदे 16 के मल्टीपल। ठीक है, 16, जैसे ये हैं, ये मैंने इस वाले स्वेटर में बनी है, ये 1 2 3 4 5, ये पांच बार बना है, तो ये 16 के मल्टीपल है, मतलब 16 16 16। ओके, तो हमने ये 16 के मल्टीपल लेने हैं, प्लस 4 एक्स्ट्रा, 2 जो हैं इसकी वो एज स्टिचेस हैं, और साथ में 2 इसमें साइड में हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि इनके एजेस जो हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम बनाते हैं। तो मैंने ये इसके सैम्पल के लिए ये मैंने थोड़ा सा बनाया है आपको बताने के लिए, तो मैं इसी पे आपको बना के बताती हूँ। इसमें मैंने ये 2 टाइम्स बनाया है, तो मैंने इसमें फंदे डाले हैं 16 प्लस 16 प्लस 4। ठीक है, तो 36 स्टिचेज़ हैं इस सैम्पल में। तो आपने जिस हिसाब से जितना बड़ा बनाना है, 16 16 जो है वो प्लस करते जाइए, प्लस 4 जो है वो एक्स्ट्रा, उसमें से 2 एज स्टिच हैं और जो 2 हैं वो साइड में ही, हर दोनों साइड एज पे एक एक एक्स्ट्रा लेना है ताकि इनके ये एज जो है वो बिल्कुल स्मूथ आए, जो बिल्कुल स्मूथ आए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, और इसकी फर्स्ट रो में क्या करना है, जो फर्स्ट है हमारा ये एज स्टिच है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेना है। अगले वाला हमने एक ये ऐसे सीधा बना लिया। ठीक है, ये यहाँ से हमारा जो डिज़ाइन वो स्टार्ट होगा। तो ये एक हमने सीधा बनाया, फिर हमने धागा आगे किया, अब हमने जो है वो 14 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। हमने ये 16 क्या है, ये हमारा एक बॉक्स जो बना ये, तो ये उसमें से ये एक हो गया, फिर धागा हमने आगे किया, अब हमने 14 जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब हमने धागा पीछे करना है और ये एक सीधा बना लेना है। तो ये हमारा एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक और ये सीधा, फिर धागा आगे करके 14 जो है वो उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर धागा पीछे करके ये एक सीधा, और आगे लास्ट की ये दोनों हमने सीधे बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है, और जितनी भी हमारी जो बैक साइड की जो उल्टी रोज है वो सारी हमने उल्टी बनानी है, पर्ल करनी है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी सारी की सारी बैक रोज हैं वो हम उल्टी बनाएंगे, पर्ल करेंगे उनको। ठीक है, इस तरह से। सो अब हम आगे इसकी थर्ड रो पे, सेकंड इसकी उल्टी तरफ की पर्ल रो थी, तो अब हम इसकी थर्ड रो पे आएंगे। तो ये पहला ये ऐसे उतार के एक तो हम सीधा ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब आगे हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए, ये स्लिप करने हैं दोनों, एक ऐसे दोनों, और इनको बैक लूप से हमने ये सीधे बना लेने हैं, 2 स्लिप करके। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अब ना आप धागा हमने आगे करना है क्योंकि हमने यहाँ पे जाली बनानी है, अब हमने ये सीधे बनाने हैं। अब हमारे 12 बनाएंगे हम सीधे, पहले हमने 14 किए थे ना, 14, अब 12।
तो 14 जो थे वो हमने उल्टे बनाए थे, एक बार सीधी सिलाई में उल्टे बनाने हैं और एक बार सीधे, तभी हमारी ये इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। तो अब हमने ये सीधे बनाने हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब हमने धागा आगे करना है क्योंकि हमें जाली बनानी है यहाँ पे, और ये दो आगे वाले हमने इकट्ठे बुन लेने हैं, दो इकट्ठे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ एक पोर्शन। अब नेक्स्ट फिर हमने यहीं से ये ऐसे ही रिपीट करना है, ये एक स्लिप और ये भी स्लिप, और इनको बैक लूप से हमने सीधा बना देना। फिर धागा आगे किया जाली बनाने के लिए और ये सी। अब हमने 12 बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब फिर धागा आगे किया और यहाँ वाले ये दो जो हैं इनको इकट्ठे बना लिया। ओके, और लास्ट की दो हमने सीधे बनाने हैं। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट होगी, फोर्थ हमारी हम उल्टे बनाएंगे। फोर्थ रो कंप्लीट होगी, अब हम आए हैं फिफ्थ रो पे। हमारी सारी जो इवन रोज आएंगी, जैसे 2, 4, 6 ये सारी उल्टी होंगी, इनको हम उल्टा उल्टा बनाना है। तो अब हमारी ये फिफ्थ रो है। देखिए फिफ्थ रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही उतारा, आगे वाला सीधा बनाया। अब फिर हमने ऐसे करना है, ये स्लिप करना है और ये वाला भी स्लिप, स्लिप करके बैक लूप से इसको सीधा बना लेना है। और अब हमने आगे एक और बनाना है सीधा। ओके, अब हमने ये उल्टे बनाने, तो हमने यहाँ पे जाली देखी कैसे बनानी है, ऐसे एक बार घूम अंदर लेके और ये ऐसे घुमा दिया, तो एक हमारी जाली बन गई। अब हमने यहाँ पे जो है वो 8 जो हैं वो उल्टे बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 8 नहीं, हमने 10 बनाने हैं, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 10 हमने उल्टे बना लिए। अब फिर हमने ये धागा आगे ही रहने देना है और यहाँ से ये जाली बना के ये एक बनाया। फिर एक बनाने के बाद हमने ये दो जो हैं वो इकट्ठे बना लेने हैं। ठीक है, ये हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया। नेक्स्ट फिर वैसे ही ये स्लिप करेंगे, इसको भी स्लिप करेंगे और हमने ये दोनों फंदों को बैक लूप से हम सीधा बना लेंगे। फिर एक सीधा बनाना है, फिर हमने जाली डालनी है क्योंकि हमने यहाँ पे ये उल्टे बनाने हैं। तो हमने ये देखिए इसमें जाली कैसे बनानी है, ऐसे घुमा के ये ऐसे, ये एक हमारा फंदा बन गया। अब हमने 10 जो हैं वो उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर हमने ये धागा आगे रहने देना है क्योंकि हमें जाली बनानी है, फंदा बढ़ाना है, इसलिए हमने ये एक जो है वो सीधा बनाया और आगे ये जो दो हैं इनको हमने एक साथ सीधा बना लेना है, दो का एक कर दिया। और लास्ट की दो जो हैं वो हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट होगी, सिक्स्थ हमारी उल्टी। अब हमारी सेवन्थ रो पे आ गए हम, तो इसको हम देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतारा, अगला हमने सीधा सीधा बना लिया। फिर आगे फिर हम वैसे ही करेंगे, ये स्लिप और ये भी स्लिप, और इनको हम बैक लूप से दोनों को दो का एक कर देंगे। ठीक है, अब हमने पहले दो एक बनाया था, अब हम दो सीधे बनाएंगे, 1, 2। अब पिछली बारी हमने ये उल्टे बनाई थी ये यहाँ पे फंदे, अब हम सीधे बनाएंगे। तो धागा आगे किया, अब हम 8 सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब फिर धागा आगे किया, जाली बनानी है क्योंकि हमें, और अब हम ये दो सीधे बनाएंगे। और ये दो सीधे बनाने के बाद दो हमने इसे एक दो का एक कर दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन तैयार हो गया। फिर हमने वैसे करना है, ये स्लिप स्लिप और इनको बैक से हमने सीधा बना लिया, दो का एक कर दिया। फिर हमने 1 और ये 2
सीधे बनाए। यहाँ पे हमने ये जाली के लिए धागा आगे किया और आठ फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ओके, फिर धागा आगे किया जाली के लिए और दो सीधे बनाने हैं। एक, दो, और ये वाले जो दो हैं इनको दो का एक कर देंगे हम, और लास्ट के दो हम सीधे सीधे बना देंगे। तो हमारी सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हमारी नाइन्थ रो पे। तो देखिए नाइन्थ रो में हमने कैसे करना है। ये पहले ऐसे सीधा उतारा और ये एक बनाया सीधा, फिर वही ये स्लिप किया, ये भी स्लिप दो, और इनको बैक लूप से दो का एक कर दिया। अब हमने तीन सीधे बनाने हैं यहाँ पे, एक, दो, और ये तीन। अब फिर हमने यहाँ पे उल्टे बनने हैं, तो ऐसी जाली डालनी है, आगे किया ये धागा और ऐसे घुमाया तो ये एक फंदा बैठ गया जाली से। अब हमने छः सीधे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः। अब धागा आगे रहने देंगे और हम तीन सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और आगे ये दो हमने दो का एक कर देंगे। फिर वही शुरू करेंगे, स्लिप करेंगे दोनों को और बैक लूप से दो का एक कर देंगे बना के। फिर तीन सीधे, एक, दो, तीन, और फिर ऐसी ही जाली बनाएंगे, इस तरह से घुमा के ये जाली बना देंगे, और ये छः उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ओके, और धागा आगे रहने देंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है, और तीन हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और आगे ये जो हैं इनके दो का हम एक कर देंगे, और लास्ट के दो हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो ये हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए इलेवेंथ रो पे। देखिए हम इलेवेंथ रो में फिर से वही करेंगे, पहला वाला फंदा से स्लिप करेंगे, आगे वाला सीधा बना लेंगे। अब फिर वही इसको स्लिप करेंगे, आगे वाले को भी दोनों को स्लिप करके बैक लूप से बुन लेंगे, एक कर देंगे दो का। अब हमने चार जो हैं वो सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार। अब हमने सीधा बनाना है, धागा आगे किया जाली बनाने के लिए, और हमने चार सीधे बना लेने हैं, एक, दो, तीन, चार। ये चार सीधे लेके आगे को धागा किया क्योंकि जाली बनानी है, धागा आगे ही रहने देंगे, और चार सीधे, एक, दो, तीन, चार सीधे, और ये दो का एक कर देंगे। फिर वही रिपीट, स्लिप करेंगे दोनों को और बैक लूप से दो का एक कर देंगे इनका। फिर हम चार सीधे बनाएंगे, दो, तीन, चार सीधे, धागा आगे लिया, और फिर हमने चार सीधे बनाने, एक, दो, तीन, चार। अब फिर धागा आगे करेंगे और चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये वाले दो हम एक साथ इकट्ठे बना देंगे, दो का एक कर देंगे, और लास्ट के दो हम बुन लेंगे सीधे सीधे। ये इलेवेंथ रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम आ गए हमारी थर्टीन्थ रो पे। थर्टीन्थ रो में हमने क्या करना है, देखिए ये फिर वही इस पहले वाला फंदा सीधा उतारा, आगे वाला हमने सीधा बनाया, आगे फिर ये इसको स्लिप करेंगे, अगले वाले को भी स्लिप करेंगे, और दोनों को बैक लूप से बुन के एक कर देंगे दो का एक। अब हम पांच सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। अब फिर हम, अभी हमने उल्टा बनाने हैं ये आगे फंदे, तो हम देखिए कैसे बढ़ाएंगे, ये कैसे डालेंगे अली, ऐसे जाली, सॉरी, ऐसे ये हमारी जाली बन गई, इससे फंदा भी बढ़ गया, और हम दो उल्टे बनाएंगे, ठीक है। अब फिर धागा आगे रहने देंगे और हम पांच सीधे बनाएंगे, ये जाली बनाने के लिए धागा आगे रहने देंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, और आगे फिर हमने ये दो दो का एक कर देंगे। फिर यहीं से रिपीट, स्लिप स्लिप करके बैक लूप से दो का एक कर दिया, और हमने पांच बनाने हैं सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। अब फिर हमने जाली बनानी है, ये ऐसे ऐसे करके जाली बना ली,
और दो उल्टे बनाए, धागा आगे रहने दिया और अब हम पांच सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और हमने आगे ये दो का एक कर देंगे और लास्ट के दोनों हम सीधे बनाएंगे, और हम पिछले अभी हमारी 14th रो है इसको हम उल्टा बनाएंगे। सो ये हमारी रोज, हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। यही आपने एक से जो 14, एक से 14 ये लाइनें हैं, इन्हीं को ही आपने रिपीट करते जाना है। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा, ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये बच्चों की स्वेटर्स में और लेडीज़ की स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।